हाय, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का फोर्थ लेक्चर, जो कि आता है मोशन इन अ प्लेन में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एनालिटिकल मेथड देखा था हमने। एनालिटिकल मेथड, इसमें एनालिटिकल मेथड में हमने देखा था, ए प्लस बी अगर रहा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर रहा, तो इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, या मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। हमने देखा था आर के लिए फॉर्मूला बना था एनालिटिकल मेथड में, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। देन ये थीटा क्या होता था, ये होता था एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये हमने देखा था, समझ लीजिए कि एक वेक्टर है ए एंड ये वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल होता था थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एनालिटिकल मेथड में, अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है ए प्लस बी करके, यानी दो वेक्टर का एडिशन करके जो रिजल्टेंट फाइंड करना होता था उसके लिए फॉर्मूला होता था। देन रिजल्टेंट कहीं से भी निकले, उसका एंगल मतलब पोजीशन फाइंड करते थे हम कैसे, अल्फा फाइंड करके। अल्फा अगर निकल गया तो हम कह सकते थे उसका फॉर्मूला था टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये होता था। देन अब आते हैं, अगर वेक्टर ए है एंड उसमें से वेक्टर बी को माइनस करना है तो रिजल्टेंट क्या होगा, यानी ए माइनस बी करना है वेक्टर में तो रिजल्टेंट क्या होगा, उसके लिए हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होगा। ये फॉर्मूला क्यों है, ये तब यूज होगा जब ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा तब ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, ज्यादा कुछ भी नहीं रहेगा, वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में। देन उसी तरीके से अल्फा, उसका पोजीशन अगर रिजल्टेंट तो निकल जाएगा, ए माइनस बी का रिजल्टेंट के लिए भी फॉर्मूला डिराइव करना है एंड ए माइनस बी के पोजीशन के लिए भी या डायरेक्शन के लिए भी हमें अल्फा का फॉर्मूला फाइंड करना होगा। थोड़े से वेरिएशंस रहेंगे, यहां पर देख लेते हैं वेरिएशंस क्या रहेंगे। जिस तरीके से यहां पर ए प्लस बी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, अगर ए माइनस बी रहेगा तो फॉर्मूला बनेगा आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। सिंपल, सिर्फ इतना ही चेंज आएगा। क्या चेंज है यहाँ पे, ए प्लस है और ये माइनस है। जब ए माइनस बी करेंगे और हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो फॉर्मूले में माइनस लगेगा। ए प्लस बी फाइंड करेंगे तो रिजल्टेंट के फॉर्मूले में यहां पर बीच में प्लस रहेगा, सिर्फ इतना ही फर्क है। एंड ये थीटा एंगल सेम रहेगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेकिन मैंने आपको बता चुका हूं कि ए प्लस माइनस बी होता है, एक्चुअली क्या होता है ये, ए प्लस माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए प्लस ऑफ माइनस बी, क्योंकि वेक्टर्स में हमेशा एडिशन होता है। ये भी मैं आपको बता चुका था कि वेक्टर में हमेशा एडिशन होता है, यहां पर सब्सट्रैक्शन नहीं होता। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, राइट। तो यहां पर इसलिए माइनस आ रहा है क्योंकि यहां पर ए माइनस बी कर रहे हैं। अब देखते हैं यहां पर अल्फा का क्या चेंज आएगा। अल्फा में भी हमें यही फॉर्मूला रहेगा, टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए, ये जो प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा बी कॉस थीटा, राइट। कब ये वाली सिचुएशन कब यूज होंगी, ए प्लस बी में। ये वाली सिचुएशन कब यूज होंगी, ए माइनस बी में, राइट। क्लियर है अभी। देन यहां पर देखना, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, अभी हम इसको डिराइव करेंगे मैथमेटिकली या फिर एनालिटिकली, हम इसे डेराइव करेंगे अभी ये सारी इक्वेशन के, क्यों ये वेरिएशंस आए हैं। हम ए प्लस बी ले रहे हैं तो यहाँ प्लस आ रहा है, ए माइनस बी में यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, ये हम देखेंगे। ड्रॉ कर लीजिए, मिटा देता हूँ। देन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का आगे का टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या आएगा, अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करते हैं तो उसके लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे वो देख लेते हैं। अगर आपको और अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझना है, और ये इसमें तो समझ ही जाएगा, लेकिन आपको वेक्टर को स्टार्टिंग से अच्छे से समझना है, प्लेलिस्ट में आप लेक्चर जाकर देख सकते हैं, वेक्टर का 1 2 3, ये फोर्थ लेक्चर है। देखते हैं अभी हम कि अगर एनालिटिकल मेथड में हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, ए माइनस बी का रिजल्टेंट के लिए हम फॉर्मूला फाइंड करने जा रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट बोले तो आर क्या होगा एंड डायरेक्शन क्या होगा, मतलब अल्फा क्या होगा। यहां पर देखते हैं, अगर मैं कहूँ ये वेक्टर ए है, देन उसी तरीके से एक वेक्टर बी है, दोनों के ये जो एंगल है ये है थीटा डिग्री, राइट। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर ए शिफ्टिंग के थ्रू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर, ये हो जाएगा थीटा, राइट।
ये ए एंड बी एंड थीटा। अब मुझे क्या करना था, इसके पहले हमने देखा था रिजल्टेंट निकालने के लिए, ए प्लस बी का रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला भी देखा था, उसमें हमने कुछ थ्योरम्स भी देखे थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देन पॉलीगॉन थ्योरम ऑफ फैक्टर एडिशन, और हमने देखा था साथ ही साथ ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, ये सब भी देखा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि हमें ए में से माइनस बी को प्लस करना है, तो क्या करेंगे, ये b है तो b का नेगेटिव वेक्टर लेना होगा, b का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, इस तरीके से कुछ रहेगा, ये हो जाएगा वेक्टर माइनस b, ये वेक्टर क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ में नेगेटिव वेक्टर है। तो अभी हमें क्या करना है, एडिशन किन दोनों का करना है, वेक्टर a का एंड वेक्टर ऑफ माइनस b का। यहां पर सेम क्या बनाएंगे अभी हम, यहां पर पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये इसका होगा रिजल्टेंट, राइट, इन दोनों वेक्टर में क्या होगा, ये रिजल्टेंट, ये एंगल क्या कहलाता है, अल्फा, ये एंगल कहलाता है अल्फा। देन अभी हम फाइंड करते हैं इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ए एंड बी का एंगल हमें पता है कि थीटा है, लेकिन ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये फाइंड करना है। पहले तो हम सिंपली तरीके से इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, क्योंकि हम यहां पर कर क्या रहे हैं, प्लस ऑफ ए एंड माइनस बी कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे बनता आया है अभी तक के, प्लस के लिए वेक्टर ऑफ ए प्लस एंड वेक्टर ऑफ बी का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, यही होता था। देन यहां पर सिर्फ क्या हो रहा है कि एंगल जो है ये थीटा है, यहां पर हम एंगल क्या लेंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी था ये, तो यहां पर अभी हमें एंगल कौन सा लेना होगा, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, क्योंकि हमने ये एडिशन का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, हमने एडिशन का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसलिए हमें एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी लेना होगा। एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी क्या होगा, यहां से यहां तक के क्या है, 180 डिग्री है, ये थीटा है, देन ये अल्फा है, तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल क्या रहेगा, 180 में से थीटा एंड अल्फा दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा, ये बनेगा ये वाला एंगल यहां से यहां तक के। देखिए माइनस बी एंड ए के बीच का एंगल क्या है, अल्फा प्लस ये एंगल आ गया 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा, कैसे आया ये वाला एंगल, कैसे आया, पूरे 180 में से इसको माइनस कर दिए, देन इसको माइनस कर दिए, तो ये एंगल मिल गया। देन अभी मैं देखता हूं ये पूरा एंगल क्या होगा, पूरा एंगल अगर मुझे निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी निकालना है, तो क्या होगा, 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा कर देंगे, ये अल्फा ऐड हो जाएंगे इसमें, ये एंगल में अल्फा ऐड हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल मिल जाएगा। देन यहां पर आ रहा है, एंगल मिल रहा है मुझे 180 माइनस थीटा, ये मिल गया एंगल, तो ये एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल कितना आ रहा है, 180 माइनस थीटा, राइट। तो यहां पर जो फॉर्मूला रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी क्या रहेगा, 180 माइनस थीटा, राइट, जिन दो वेक्टर्स का एडिशन होता है, देन उसमें एंगल उन दोनों के बीच का आता है, जिन दो का एडिशन होता है उसमें एंगल बीच का आता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला हो गया, ये भी फॉर्मूला क्या हो गया, एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला हो गया, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, क्या किया हमने, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी किया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ये क्वांटिटी क्या होती है, यहां पर देख लीजिए, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है, राइट, यहां पर 180 माइनस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, लेकिन ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये है 180 माइनस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, ये फर्क है, माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, कैसे आ गया माइनस साइन, कैसे आ गया प्लस से, यहाँ पे क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, ये माइनस हमने यहां लगा दिए, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा लिखा हमने, ये माइनस इधर आ गया। देन यहां पर देखिए दोनों ही करेक्ट फॉर्मूले है, बस डिफरेंस इतना है कि अगर हम एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी ले रहे हैं, तो वन बस ये वाला फॉर्मूला रहेगा, यहां प्लस रहेगा, यहां पर 180 माइनस थीटा रहेगा, 180 माइनस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, अगर हम उसको माइनस कर दे रहे हैं बीच में साइन को, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी ही रहेगा, जो ओरिजिनल एंगल था बिना नेगेटिव वेक्टर लिए, जो एंगल था पहले ए एंड बी का, उसके बीच का एंगल लेना रहेगा थीटा। तो हम ज्यादातर यूज तो यही वाला करते हैं, इजी पड़ता है, क्योंकि क्या है, सारी चीजें सारी क्वांटिटी वैसी की वैसी है, एंगल बिटवीन ए एंड बी हमेशा लेना होता है पॉजिटिव में भी, जब हम
एडिशन करते हैं वेक्टर का, तब भी हम यही लेते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी। हम जब सब्सट्रैक्शन करेंगे वेक्टर्स का, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को माइनस करेंगे एक दूसरे में से, या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करेंगे, तो तब भी हम वही एंगल लेंगे, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, एंगल हमेशा सेम रहेगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। बस सिंपल क्या चेंज होगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। देन अल्फा अगर हम निकालते हैं, तो मैंने अल्फा के लिए अभी आपको बताया था, अल्फा के लिए हम फॉर्मूला क्या होता है, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, यही होता है। लेकिन इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन 180, ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल लेना होगा, 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर देखिए एक टर्म और लिखा देता हूं, एक फॉर्मूला आपको, कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ही होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेम क्वांटिटी रहेगी यहां पर, बी साइन थीटा अपॉन ये ए एज इट इज रहेगा, देन ये क्वांटिटी क्या होती है, माइनस कॉस थीटा, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हो गया। देखिए फॉर्मूला ये भी करेक्ट है, ये वाला, और ये भी करेक्ट है। इसमें क्या है कि हम एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी ले रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आ रहा है, इसमें हम एंगल बिटवीन ए एंड बी ले रहे हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जा रहा है, जैसे इसमें हुआ था सेम। बस इतनी सी ही चीज़ है, ड्रॉ कर लीजिए, मिटा देता हूँ।